ई रिक्शा में हो रही थी अवैध शराब की पैकारी। ई रिक्शा में लोड मिली शराब की बड़ी खेप, बोरियों में भरी थी बियर की बोतल, पुलिस ने जब्त कर एक को किया गिरफ्तार। चाकघाट पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी शराब की खेप से लोड ई रिक्शा। बता दें कि रीवा में अब बाइक, कार या अन्य वाहनों से शराब की तस्करी की जाती थी, लेकिन अब तस्करों ने नया रास्ता भी अपना लिया है जिसमें ई रिक्शा का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है। दरअसल रीवा के चाकघाट पुलिस ने बॉर्डर के समीप शराब की खेप से लोड ई रिक्शा को पकड़ा है जिसमें से दो प्लास्टिक की बोरियों में बियर की बोतल भरी मिली है। पुलिस ने मौके से कुल 96 बियर की बोतल जब्त की है। इसके साथ ही खेप लेकर जा रहे एक शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है जबकि दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। दरअसल ये कार्रवाई त्योथर एसटीओपी के उदित मिश्रा के मार्गदर्शन में चाकघाट थाना पुलिस ने की है। एसटीओपी ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि चंदई तरफ से चाकघाट की ओर ई रिक्शा में शराब की अवैध खेप लोड होकर आ रही है। सूचना मिलते ही चाकघाट पुलिस ने वाहनों की चेकिंग करते हुए शराब की खेप लेकर जा रही ई रिक्शा को पकड़ा जिसमें दो बोरियों में कुल 96 बियर की बोतल रखी मिली है। पुलिस ने अंग्रेजी शराब की बियर को जब्त कर मौके से आनंद कुमार केवट निवासी जने को गिरफ्तार किया है जबकि बुलंदी केसरवानी निवासी चाकघाट मौके से फरार हो गया। मामले में पुलिस ने फिलहाल आबकारी अधिनियमों का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है।